अगेन अनदर एग्जाम्पल रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ग्राफ। प्रीवियस केस में ऑब्जेक्ट ग्राफ के अंदर मैंने इंक्लूड किए थे ओनली टू क्लास, पॉइंट एंड सैंपल, लेकिन इस केस में ऑब्जेक्ट ग्राफ के फॉर्म में टोटल थ्री क्लास इंट्रोड्यूस किए, पॉइंट, डेमो, सैंपल। तीनों के तीनों फाइल, सपोज दैट तीनों क्लास डिक्लेरेशन विद इन अ सिंगल सोर्स फाइल पॉइंट, आप सेपरेटली भी क्रिएट कर सकते हो और इंडिविजुअल फाइल में, सेपरेट इंडिविजुअल फाइल में भी सेपरेट क्लास डॉट जावा फाइल्स क्रिएट करना पॉसिबल, लाइक अ पॉइंट डॉट जावा, डेमो डॉट जावा और सिंपल डॉट जावा, और विद इन अ सिंगल सोर्स फाइल भी राइट करना पॉसिबल, डजंट मैटर। देन फाइनली इस पर्टिकुलर केस में एग्जीक्यूशन किसके लिए हुआ, सैंपल क्लास के लिए, क्योंकि मेन फंक्शन किस क्लास में फॉर्म हो रहा है, इनसाइड सैंपल। सबसे पहले इस केस में एनालिसिस करेंगे, पॉइंट क्लास के अंदर ओनली सिंगल डिक्लेरेशन प्रोवाइड हुआ है नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर, डेमो क्लास के अंदर टू नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स क्रिएट हुए वाई एंड पी, आउट ऑफ देम वाई का टाइप क्या है, प्रिमिटिव, पी का टाइप क्या है, रेफरेंस, मीन्स पी इटसेल्फ पॉइंट किसको करेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ पॉइंट, मीन्स पी इटसेल्फ किसके अंदर क्रिएट हुआ, डेमो के अंदर। तो इस पी के थ्रू डेमो क्लास का एसोसिएशन किसके साथ हो रहा है, पॉइंट क्लास के साथ, डेमो इज एसोसिएटेड विद पॉइंट, मीन्स जब भी डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इसके साथ साथ इंटरनली क्रिएट किया ऑब्जेक्ट ऑफ पॉइंट क्लास, क्लियर है, मीन्स बाय डिफॉल्ट डेमो के पास अवेलेबल क्या है, पॉइंट टाइप ऑफ इंस्टांस। सिमिलरली अगेन सैंपल, सैंपल क्लास के अंदर टू नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स हैं प्लस मेन मेथड है, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स के केस में क्या है, एक्स और डी, क्लियर, दोनों का टाइप क्या है, नॉन स्टैटिक, एक्स प्रिमिटिव है जबकि डी कैसा है, रेफरेंस टाइप, मीन्स सैंपल क्लास इज रेफरेंस वेरिएबल, डी के थ्रू एसोसिएट किस हो रहा है, डेमो से, और डेमो पी के थ्रू एसोसिएट किस हो रहा है, पॉइंट से, तो इनडायरेक्टली सैंपल का भी एसोसिएशन किसके साथ है, डायरेक्टली डेमो के साथ, इनडायरेक्टली पॉइंट के साथ, मीन्स इस केस में जब भी सैंपल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो सैंपल क्लास के ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्रिएट क्या होगा, डेमो ऑब्जेक्ट, और डेमो के रेफरेंस में जब डेमो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इसके रिस्पेक्ट में क्रिएट क्या होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट, मीन्स सैंपल क्लास के रिस्पेक्ट में थ्री ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे, अगर आप केवल इस केस में अगर सैंपल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें देन इनडायरेक्टली इस प्रोसेस में बैकग्राउंड में थ्री ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे ना कि सिंगल ऑब्जेक्ट। सेम एज जब भी डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो डेमो के रिस्पेक्ट में टू ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे, वन ऑब्जेक्ट ऑफ डेमो एंड अदर ऑब्जेक्ट ऑफ पॉइंट। इस डायग्राम वाइज चेक करें इसका, अगेन इस केस में क्रिएट किया हुआ ऑब्जेक्ट ग्राफ, फर्स्ट वन एग्जीक्यूशन ऑलवेज मेन से स्टार्ट करोगे लाइक अ प्रीवियस केस। इस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले क्रिएट क्या हो रहा है, मेमोरी एलोकेशन फॉर लोकल वेरिएबल, मेन फंक्शन के अंदर ओनली सिंगल लोकल वेरिएबल क्रिएट किया, ओनली रेफरेंस वेरिएबल एस, एस का टाइप क्या है, सैंपल, उसका मतलब एस के अंदर ओनली सैंपल क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करना पॉसिबल है, रिमेनिंग पार्ट रेस्ट ऑफ पार्ट आप कंसिडर करोगे एज अ हीप एरिया। देन एस के रिस्पेक्ट में राइट हैंड पार्ट से क्रिएट किया हो रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ सैंपल, अगेन थ्री स्टेप फॉलो करेंगे लाइक अ प्रीवियस केसेस। आई थिंक अब तो आपको ये स्टेप याद भी होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप में परफॉर्म क्या कराएंगे, मेमोरी एलोकेशन फॉर नॉन स्टैटिक वेरिएबल ऑफ सैंपल, और सैंपल क्लास के अंदर नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स कितने, टू, एक्स और डी। जब सैंपल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो सैंपल ऑब्जेक्ट एसोसिएट किससे हो रहा है, एस एंड डी, मीन्स फाइनली इस केस में टोटल टू नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स क्रिएट हो रहे हैं, सॉरी नॉट एस, एक्स, एक्स एंड डी, एक्स का टाइप क्या है, प्रिमिटिव, और डी का टाइप क्या है, रेफरेंस, एड्रेस समथिंग 100 प्लस, इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का, सैंपल टाइप का, इसलिए मैं मार्क किससे कर रहा हूँ, उसको एज अ सैंपल, मीन्स डिफ्रेंशिएट करने के लिए। देन फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद वन मोर केस, एड्रेस 100 है इसलिए नेम क्या प्रोवाइड करेंगे, या 100.x और 100.y, सॉरी 100.z। सेकेंड केस में सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग परफॉर्म क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन, एक्स के केस में डायरेक्टली इनिशियलाइजेशन किस हुआ, थ्री से, तो एक्स के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन जब डी के केस में इनिशियलाइजेशन करें तो डी के रिस्पेक्ट में क्रिएट किया हो रहा है डेमो ऑब्जेक्ट, डेमो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगेन आपको टोटल थ्री स्टेप्स फॉलो करनी नीड होगी। जब भी जावा में किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा अगर कंस्ट्रक्टर या नॉन स्टैटिक लॉग प्रोवाइड नहीं किया उसके केस में ऑलवेज कितने स्टेप फॉलो करो, थ्री, अदरवाइज फाइव। नेक्स्ट वन, वन मोर केस, इस केस में जब डेमो का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उस केस में सैंपल ऑब्जेक्ट का प्रोसेस इन लास्ट ऑपरेशन क्या बन जाएगा, या पेंडिंग प्रोसेस और पेंडिंग ऑपरेशंस। ये पेंडिंग ऑपरेशन कब फिनिश होगा या कब प्रोसेस होगा, आफ्टर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ डेमो, इससे भी इस पेंडिंग थर्ड ऑपरेशन कंप्लीट होने से पहले डेमो का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और डेमो के रिस्पेक्ट में अगेन थ्री स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस फॉर नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ डेमो, एनालाइज कर लो डेमो क्लास के अंदर नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स कितने, टू, वाई एंड पी, तो इस केस में मेमोरी एलोकेशन किसके लिए, वाई के लिए एंड पी के लिए, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट।
वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगेन मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म कराऊंगा। सेकेंड टाइम ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का क्रिएट हुआ है, एड्रेस में भी 200, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ डेमो टाइप, इसलिए मैं इसको शो कर रहा हूँ एज अ डेमो। देन इसके इसमें एलोकेशन किसके लिए कराया था, वाई और पी, वाई एंड पी। अगेन चेक करो इसके इसमें वाई का टाइप क्या है, प्रिमिटिव, और पी का टाइप क्या है, रेफरेंस वाई के केस में। देन एड्रेस 200 है, इसलिए इसको यूनिकली मार्क करोगे 200.y 200.p। देन फर्स्ट स्टेप का, सेकंड स्टेप क्या रहेगा, अगेन इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन के अकॉर्डिंग वाई में डायरेक्टली कैसा हो रहा है, टू। पी के रिस्पेक्ट में सेकंड इनिशियलाइजेशन किसके लिए कराना, पी के लिए। अगेन फिर से याद रखना, जब डेमो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के रिस्पेक्ट में अगेन क्रिएट किया ऑब्जेक्ट ऑफ पॉइंट क्लास, मीन्स पी में इनिशियलाइजेशन कराना आपको, इनिशियलाइजेशन किस में रिक्वायर्ड, पी में। और पी में इनिशियलाइजेशन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो जाता। तो अगेन पॉइंट क्लास के रिस्पेक्ट में कितने स्टेप परफॉर्म करने की नीड होगी, थ्री। तो अगेन पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए डेमो का लास्ट स्टेप क्या बन जाएगा, एज अ पेंडिंग ऑपरेशंस, क्लियर। ये सभी पेंडिंग स्टेप्स कितने हैं, 1 2, जो कि सेम सिक्वेंस में फॉलो करें, जस्ट रिवर्स ऑर्डर। देन अगेन पॉइंट के रिस्पेक्ट में फर्स्ट स्टेप एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस फॉर नॉन स्टैटिक वेरिएबल ऑफ पॉइंट क्लास। पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो एलोकेशन किसके लिए, ओनली फॉर एक्स, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ पॉइंट टाइप, एड्रेस समथिंग 300, इसलिए मैं इसको मार्क कर रहा हूँ एज अ पॉइंट, जिससे आप लिए डिफ्रेंशिएट करना पॉसिबल हो कौन सा ऑब्जेक्ट किस क्लास का है। एलोकेशन किसके लिए हो रहा है, इसमें एक्स के लिए, दिस इज द लोकेशन, इस लोकेशन का नेम क्या है, एक्स, एड्रेस 300 मार्क कर रहा हूँ एज अ 300.x। डायग्राम कैसे बनाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन नेक्स्ट वन, फर्स्ट स्टेप के जस्ट बाद सेकंड स्टेप क्या है पॉइंट के लिए, इनिशियलाइजेशन। पॉइंट क्लास के अंदर एक्स ओनली क्रिएट किया हुआ था एक्स, और एक्स का डिफॉल्ट वैल्यू का इनिशियलाइज हो रहा है इसमें 1, क्लियर। नेक्स्ट वन, थर्ड स्टेप रिटर्निंग एड्रेस ऑफ क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। पॉइंट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसका एड्रेस क्या है, 300। तो इस ओवरऑल प्रोसेस में न्यू के प्लेस पर रिप्लेस किया जाए 300, और 300 कॉपी हो जाए इनसाइड पी, मीन्स पी इस प्लेस पर क्या जाएगा, 300। जैसे ही पी में 300 आएगा, पी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। वन मोर केस, इस डेमो के ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आई थिंक टू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुके हैं, एलोकेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, सारे के सारे डेटा में प्रॉपरली इनिशियलाइज हो चुके हैं, इसलिए इसका थर्ड स्टेप क्या परफॉर्म हुआ, रिटर्निंग एड्रेस। मीन्स डेमो के केस में फर्स्ट स्टेप भी कंप्लीटेड है, सेकंड स्टेप भी कंप्लीटेड है, कंप्लीट कर रहे हैं थर्ड पेंडिंग ऑपरेशन। थर्ड पेंडिंग ऑपरेशन क्या, रिटर्निंग एड्रेस ऑफ डेमो ऑब्जेक्ट। डेमो ऑब्जेक्ट का एड्रेस 200, इसलिए इस प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा, 200, और 200 कॉपी किस में होगा, रेफरेंस वेरिएबल डी के अंदर, दैट प्लेस, इस प्लेस पर क्या जाएगा, 200। अब डी इटसेल्फ किसको पॉइंट करेगा, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट ऑफ डेमो क्लास। नेक्स्ट वन चेक कर सकते हो, इस सैंपल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में भी टू स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट स्टेप एलोकेशन, सेकंड स्टेप इनिशियलाइजेशन। ये ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इनिशियलाइज हो चुका है, तो थर्ड पेंडिंग ऑपरेशन क्या है इसका, सैंपल के रिस्पेक्ट में रिटर्निंग एड्रेस ऑफ सैंपल ऑब्जेक्ट, और सैंपल ऑब्जेक्ट का एड्रेस 100, इसलिए इस प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, 100। 100 किस में असाइन होगा, रेफरेंस वेरिएबल एस में। तो एस में जैसे ही 100 असाइन होगा, एस इस टारगेट लोकेशन को पॉइंट करना स्टार्ट करेगा। चेक करो इसे एस के साथ टोटल कितने ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड, 3 ऑब्जेक्ट। सैंपल ऑब्जेक्ट इंटरनली किसके साथ एसोसिएटेड, डेमो इंटरनली किसके साथ एसोसिएटेड, इनडायरेक्टली पॉइंट के साथ। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सैंपल ऑब्जेक्ट का भी एसोसिएशन किसके साथ है, या सैंपल क्लास का रिलेशन किसके साथ है, पॉइंट, मीन सैंपल टू क्लासेस से एसोसिएटेड, डेमो एज वेल एज पॉइंट। डेमो क्लास ओनली सिंगल क्लास से एसोसिएटेड है, ओनली पॉइंट। नेक्स्ट वन, उसके जस्ट बाद जब वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे, फर्स्ट केस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिंपली कुछ भी नहीं करना है, डॉट ऑपरेटर 3 टाइम मकर हुआ है, मीन तीनों ही केस में इसका प्रायोरिटी कैसा है, सेम। फॉलो करेंगे एसोसिएटिविटी रूल, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट सबसे पहले एस के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे, एस का वैल्यू, और एस का वैल्यू क्या है, 100। 100.d के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे, 100.d का वैल्यू। डायग्राम के अंदर 100.d में क्या स्टोर है, 200, तो इसके प्लेस पर रिप्लेस क्या कराएंगे, 200, इट विल बिकम्स लाइक अ 200.p.x। सिमिलरली 200.p के प्लेस पर 200.p का वैल्यू रिप्लेस कर लो, चेक कर लो डायग्राम में ऐसा कोई लोकेशन है जिसका नेम 200.p से मैच हो रहा है, 200p मीन्स दैट प्लेस, इस प्लेस पर या इस लोकेशन में क्या स्टोर है, 300। तो 200.p के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, 300, इसका मीनिंग क्या होगा, फाइनली 300.x। ऐसा कोई लोकेशन है जिसका नेम 300.x हो,
फाउंड हो रहा है 300.x, और 300.x में क्या स्टोर है, फाइनली 1, तो फाइनली इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा लास्ट में 1, तो इसलिए प्रिंटलाइन में क्या पास हो रहा है 1, तो इसके केस में आउटपुट में क्या प्रिंट होगा मैसेज एज 1। नेक्स्ट केस अगेन सेकेंड प्रिंटलाइन प्रोसेस करें, इसके अंदर एक्सप्रेशन क्या क्या बने एस डॉट डी डॉट वाई, टू ऑपरेटर फाउंड हो रहा है इसलिए दोनों का प्रायोरिटी सेम होगा, लेफ्ट टू राइट एसओसीटी रूल अप्लाई करके सोल्व करेंगे, एस के प्लेस पर रिप्लेस करा लो एस का वैल्यू, और एस का वैल्यू क्या करेंटली 100, इनिंग क्या हुआ 100.d, 100.d मीन्स दैट प्लेस, और 100.d में क्या है 200, इसका सब्स्टिट्यूशन किससे करा दोगे 200 से 200.y, अगेन 200.y के प्लेस पर 200.y का वैल्यू रिप्लेस करें, 200.y में क्या स्टोर है 2, इसलिए फाइनली इस प्लेस पर क्या जाएगा 2, इसलिए प्रिंटलाइन में क्या पास हो रहा है 2, डिस्प्ले क्या होगा मैसेज एस 2, क्लियर। नेक्स्ट वन लास्ट केस एस डॉट जेड, एस में डायरेक्टली एस के प्लेस पर 100 रिप्लेस करेंगे 100.z, और 100.z लोकेशन डायरेक्टली नहीं फाउंड हो रहा है क्या, सैंपल एक्स वाई इस प्लेस को मैंने रॉन्गली मार्क किया है, इस सैंपल क्लास के अंदर डेटा मेंबर का नेम क्या था इनसाइड सैंपल एक्स एंड डी, इसके अंदर अगेन क्या था एक्स, सही था ये डॉट एक्स, लेकिन मैंने यहाँ टाइप में मिस्टेक किया एस डॉट जेड एक्सेस करना पॉसिबल नहीं, ये केस इनवैलिड है, क्योंकि इस टाइप का ऐसा कोई भी लोकेशन नहीं जिसका नेम 100.z हो, इसलिए इस केस में क्या कंपाइल टाइम एरर, इसलिए इसको रिमूव करने के लिए मैं यूज क्या करूँ अगेन एक्स, ये केस वैलिड केस है 100.z, और 100.x में क्या स्टोर है अगेन इस प्लेस और वैल्यू क्या स्टोर है 3, तो इसलिए फाइनली आउट में क्या प्रिंट होगा 3। इस टाइप से इस केस में टोटल इस ग्राफ में आपको कितने ऑब्जेक्ट एसोसिएशन हो रहे हैं 3, इस टाइप के ग्राफ को नेम दोगे एज ऑब्जेक्ट ग्राफ, अगेन इस टाइप के अदर सिमिलर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस केस में।